रोज रात को हॉस्टल की लैंडलाइन पर फोन की घंटी बजती और वो 15 साल की लड़की फोन उठाकर बस इतना ही कहती, हाँ मम्मा सब ठीक है। सब ठीक ही तो था जब वो 8 साल की थी और फिर भी डायपर पहनकर सोना पड़ता था, या जब वो गुस्से से अपने खिलौने फेंक देती थी, या आपके पर्स से पैसे चुराती थी। सब ठीक ही तो था जब वो एक लड़के को चाहती थी और आपने उससे पूछा, घर में प्यार की कमी है क्या जो तुम बाहर ढूंढ रही हो? शायद उस दिन वो चिल्लाकर कह ही देती कि हाँ कमी है, पर शायद आपने अपने बच्चों से इतनी दोस्ती कभी की नहीं। सालों और मीलों में इतनी दूरी बढ़ा ली कि जब वो अस्पताल में अकेली भी पड़ी थी तब भी उस 19 साल की लड़की ने फ़ोन उठाकर फिर से कह दिया, हाँ पापा सब ठीक है। सब ठीक ही तो था जब हर इम्तिहान से एक रात पहले वो सांस नहीं ले पाती थी, उसकी उंगलियां सुन पड़ जाती थी, जब वो जानबूझकर स्कूटर तेज चलाती थी ये सोचकर कि शायद सड़क ही उसकी मुश्किलों का अंत कर दे, कि शायद कोई कहीं कैसे भी उसे बचा ले, कि इस बार जब फ़ोन की घंटी बजे तो उसे कुछ कहना ही ना पड़े, वो पूछते रह जाएं कि तुम क्या बनोगी, तुम क्या करोगी, हमने जो तुमसे इतनी उम्मीदें लगाई हैं, तुम पर इतने पैसे लगाए हैं, उसका फल कब दोगी। वो कहते ही रह जाएं कि इतने ऐशो आराम के होते हुए दुखी होने की तो कोई संभावना ही नहीं है, वो कभी पूछे ही ना और उसे बताना भी ना पड़े कि सब बिखरा सा है अंदर से, हमेशा से, जब से याद है तब से, और वजह तो किसी को नहीं पता, उसे खुद भी नहीं। तो अपने अंदर उमड़ते अंधेरे को संभाल कर वो आगे बढ़ जाती है, झूठ को सच बनाकर वो आज भी फिर से कह ही देती है। हेलो, हाँ पापा सब ठीक है। Thank you.